हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं अपने फोटो को मैनिपुलेट, जो कि एकदम सिंपल भी होगा और एकदम रियलिस्टिक भी होगा। और ऐसा फोटो बनाने के बाद जब आप अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे तो वहां पर धमाका हो जाएगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने। तो आज का फोटो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर देना, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आपके सामने ओपन है ये इमेज जो कि हमारा बैकग्राउंड है, एंड इसी इमेज पर हम करने वाले हैं अपने फोटो को एडिट। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को सबसे पहले हम एडिट करने वाले हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या चूज़ करना है, स्नैपशीट एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों के पास ज़्यादातर होती है। तो स्नैपशीट में हमारा सिंपल सा एक ही स्टेप है, जो कि हम क्या करने वाले हैं, इस पेन आइकन में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, एंड यहाँ से चूज़ करेंगे लेंस ब्लर। ठीक है, अब इस लेंस ब्लर को हमको क्या करना है, ये जो सर्कल आपके सामने है इसको सिंपली से स्ट्रेच करना है, एंड इसको ऊपर से पिंच कर लेना है। ठीक है, एंड पिंच करने के बाद ये जो फोकस है इसको आपको सेट करना है जहाँ पर आप खड़े होने वाले हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसका विग्नेट कर देना है कम, एंड विग्नेट कम करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से इसका ब्लर भी हल्का सा कम कर लेना है। ठीक है, एंड ऐसा करने के बाद आपका बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो जाएगा, एंड आप जो है वो फोकस में यहाँ पर आ जाओगे। आप सिंपली से इस इमेज को कर लो सेव, एंड यहाँ से मैं डायरेक्टली कट कर देता हूँ और चलते हैं हम पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन में, जिसमें हम एडिट करने वाले हैं। ठीक है, अब सिंपली से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है गेट अ पिक्चर का, जिसमें हम जाएंगे इम्पोर्ट में जाएंगे, एंड अभी हमारा इमेज सेव हुआ होगा स्नैपशीट फोल्डर में, इसको हम सिंपली से उठा लेंगे, एंड यहाँ से हम मैक्सिमम साइज में चूज़ करेंगे इसको, एंड ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हमको करना क्या है, इफेक्ट में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे, जो आपने इसके लिए फ़ोटो क्लिक कराया होगा, जस्ट उसका कटआउट आपको उठा लेना है, एंड ये रहा हमारा कटआउट, एंड इस कटआउट को सिंपली से हम लेंगे एंड इसको एडजस्ट करेंगे हम कुछ इस टाइप से। एंड एडजस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर हमारा हल्का सा पार्ट रह चुका है, इसको हम जस्ट रिमूव कर देते हैं एंड राइट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, राइट पर क्लिक होते ही गाइज अब हमको क्या करना है, हम बना लेते हैं अपने शेडोज़। ठीक है, अब शेडोज़ बनाने के लिए सिंपली से यहाँ पर आपको ये पेंट सेलेक्ट करना है ब्लैक, एंड इसको आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको कम रखना है। ठीक है, बस इतना करने के बाद बस आपको शेडोज़ क्रिएट करना है कुछ इस टाइप से, जैसे मैं करने वाला हूँ। ओके गाइज, तो हमारी शेडोज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से हम करेंगे राइट पर क्लिक, एंड ये करने के बाद अब गाइज हमको करना क्या है, अपना जस्ट सिंपली से हम यहाँ पर लोगो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड लोगो यहाँ पर ये रहा, एंड इस लोगो को हमको सिंपली से जहाँ पर हमारा लोगो अच्छे से शो होगा वहाँ पर इसको सेट कर लेंगे, और जो हमारा मेन काम है वो होगा रिटचिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, एंड यहाँ से इस इमेज को बस सिंपली से हम सेव कर लेते हैं। अब इस इमेज को हम करेंगे रीटच, जिसमें कि ये एकदम रियलिस्टिक एंड इसके कलर ग्रेड जो हैं वो एकदम अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो हमारा इमेज ओपन है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे कलर ऑप्शन में। ठीक है, एंड इस कलर ऑप्शन में आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, येलो टोन को बिल्कुल आप माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लू टोन में जाना है, इसका ह्यू माइनस करना है एंड इसकी सैचुरेशन को बढ़ा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अपनी फेस टोन में जाना है, जिसकी ल्यूमिनेंस आपको बढ़ा देनी है कुछ इस टाइप से। ओके, डन करना है यहाँ से। डन करने के बाद अब गाइज हमको क्या करना होगा, हम चलेंगे सिलेक्टिव ऑप्शन में, प्लस के आइकन पर जाएंगे, सिंपली से यहाँ से हमको चूज़ करना है ये वाला ऑप्शन, जिसको बोलते हैं टिल्ट एंड शिफ्ट, एंड इस ऑप्शन को हमको क्या करना है गाइज, नीचे की साइड में इसको सेट करना है, एंड यहाँ से इसको डार्क कर लेना है हल्का सा, नॉर्मली बस इसको डार्क करना है, देन राइट पर क्लिक करना है। अब गाइज हमको चलना है इफेक्ट ऑप्शन में, जहाँ से हमको शेडोज एंड हाईलाइट में टोन डालनी है, जो कि कुछ इस टाइप से हम डाल देंगे। ठीक है, अब आपका अपडेटेड वर्जन हो या फिर कैसा भी वर्जन हो, लेकिन टोन्स डालना बस सिंपली से हाईलाइट एंड शेडोज, एंड शायद उसमें मिड टोन वगैरह भी आ गई होंगी अपडेटेड वर्जन में, लेकिन जो भी है आपको हाईलाइट में टोन रखना है कुछ इस टाइप से येलोइश टोन, एंड इसके बाद आपको शेडोज में टोन रखना है कुछ इस टाइप से हल्का सा रेड साइड। आप इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पर मैंने पॉइंट को सेट किया है, बस वहीं पर आपको सेम एज इट इज़ पॉइंट को सेट कर देना है, एंड यही कलर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली से हम क्या करेंगे, इसकी क्लैरिटी को हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं, एंड क्लैरिटी बढ़ाने के बाद हम
अब तो खैर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसकी शार्पनिंग को बढ़ाएंगे एंड इसकी डिटेल्स वगैरह सारी बढ़ा देते हैं ताकि हमारे फ़ोटो में अगर हल्का सा भी ब्लरनेस होगी तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब गाइज आप देख सकते हैं इसका बी फोर कितना फेडेड एंड मतलब कलर सारे हमारे साथ कुछ भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन अब रिटच होने के बाद सारे कलर्स बैकग्राउंड के भी और हमारे भी सब कुछ एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और इससे भी धमाकेदार और इससे भी मज़ेदार वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।